अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां 15 अक्टूबर को चुनाव है। चुनाव से पहले पुलिस ने अब तक 13 करोड़ रुपए से भी ज्यादा जब्त किए हैं। सुनील सिंह की यह रिपोर्ट। इस महिंद्रा एसयूवी से पुलिस ने 50 लाख रुपए बरामद किए। जांच में पता चला कि यह गाड़ी दहिसर से बीजेपी उम्मीदवार मनीषा चौधरी की है। मतलब साफ है कि रुपया उनके लिए ही था, लेकिन विधानसभा के लिए एक उम्मीदवार को सिर्फ 28 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति है। लिहाजा बीजेपी जिला अध्यक्ष को आगे आकर बताना पड़ा कि बरामद रुपए एक उम्मीदवार के नहीं, 6 उम्मीदवारों के लिए है। खर्चा तो लगेगा, चाहे कोई भी पार्टी का, उसके मीटिंग है, पब्लिक मीटिंग है, ऑफिस है, सबका खर्चा लगेगा। तो 6 की 6 विधानसभा के लिए खर्चा के लिए मुंबई भाजपा से पैसे मंगाया और मुंबई भाजपा ने पैसे भेजा। कुछ दिनों पहले परभणी में पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बैग से भी 4 लाख से ज्यादा रुपए बरामद हुए थे। तब भी यही दलील दी गई थी कि पैसे पार्टी के थे। अभी तक मुंबई और महाराष्ट्र में 13 करोड़ से भी ज्यादा रुपए बरामद हो चुके हैं। 10 लाख के ऊपर अगर कैश जब्त की जाती है तो उसका इन्वेस्टिगेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को हैंड ओवर किया जाता है, और जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसके बाद में उसमें इन्वेस्टिगेशन करा के अगर वो इलीगल है, उसमें कुछ ऑफेंस दाखिल होता है तो पुलिस को ऑफेंस दाखिल करने के लिए बोलता है। फिलहाल काफ़ी सारे मामले अभी इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे हैं। रकम भले ही 13 करोड़ से ज़्यादा पकड़ी गई हो, लेकिन 3 से 4 मामलों में ही FIR दर्ज हो पाई है। ज्यादातर पकड़े गए रुपए बैंकों या फिर व्यापारियों के थे। चुनाव लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का, तकरीबन हर चुनाव में करोड़ों रुपए पकड़े जाते हैं। कुछ मामलों में FIR भी दर्ज होती है, लेकिन आज तक एक भी मामले में सजा हुई हो इसकी कोई जानकारी नहीं है। मुझसे कैमरा में सुहास चौधरी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।